हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फॉर ऑल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो पिछले वर्षों के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करिएगा जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। एशिया का छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को एशिया का छत कहते हैं। भारत में सिक्का कहाँ बनाया जाता है? तो भारत में सिक्का भारत के एक मेट्रो सिटी कोलकाता में बनाया जाता है। इको मार्क किससे संबंधित है? तो इको मार्क दोस्तों पर्यावरण से संबंधित मार्क है। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल अधिकार दिवस दोस्तों 2 नवंबर को मनाया जाता है। भारत छोड़ो संकल्प 1942 में कांग्रेस के द्वारा कहां पर हुए अधिवेशन में पारित हुआ? बंबई में। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहां स्थित है? कर्नाटका के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी दोस्तों स्थित है। भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहां है? करनाल में डेयरी रिसर्च सेंटर स्थित है। भटकल बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह बंदरगाह दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। लैगून क्या है? तो लैगून झील होती है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था? तो ताजमहल का नक्शा जो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है का नक्शा उस्ताद ईशा खान ने दोस्तों बनाया था। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। भारत में पहली बार आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1962 में। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। बिहार नाम किससे व्युत्पन्न किया गया है? बौद्ध मठ से बिहार नाम व्युत्पन्न किया गया है। टेलीकॉम कंपनी नोकिया किस देश की कंपनी है? नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। प्रसिद्ध मासमाई गुफा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मासमाई गुफा मेघालय में स्थित है। यूपीएससी द्वारा संचालित भर्ती परीक्षा में सी सेट का क्या तात्पर्य है? तो सी सेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है दोस्तों। 1954 तक पौंडीचेरी किसके अधीन था? तो 1954 तक पौंडीचेरी फ्रेंच औपनिवेशिक शासन के अधीन था। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े गुणसूत्र मानव में मिलते हैं। रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल कितना होता है? रक्त कोशिका मोनोसाइट जो एक प्रकार का WBC है का जीवन काल 120 दिन का होता है। अंत्योदय योजना को सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया था? राजस्थान में शुरू किया गया था दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने किस पर बल दिया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने उद्योग पर बल दिया था। अगर आपको हमारे आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर से क्लिक करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज़ देखने के लिए दोस्तों स्क्रीन पर दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।